फिरोजाबाद में 7229 छात्र छात्राएं विद्यालय से लापता। दरअसल जनपद में 7229 छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनका एडमिशन तो हो गया है लेकिन वह स्कूल नहीं आते, बच्चे ड्रॉप आउट कर गए हैं। फिरोजाबाद में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में 1,86,000 छात्र छात्राओं का नाम अंकित हुआ था, उसमें से 7229 छात्र छात्राएं स्कूल नहीं आते। जनपद में 1,86,000 बच्चे नामांकित भी हो चुके हैं। अब ये अंतिम चरण में जो है वो अभियान चल रहा है, तो इसके अंतर्गत शिक्षकों से कहा गया है कि वो प्रत्येक स्कूल से हमें जो है इस बात का प्रमाण पत्र दें कि 6 से 14 आयु वर्ष का कोई भी बच्चा अब नामांकन से शेष नहीं है, सभी बच्चों का नामांकन कर लिया गया है। 7229 छात्र छात्राओं को अब इन विद्यालयों के शिक्षक खोज रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग का यह मानना है कि हर बच्चा स्कूल पहुंचे और उसको अच्छी शिक्षा मिल सके, लेकिन जो बच्चे ड्रॉप आउट कर गए हैं उनके लिए अब स्कूल के शिक्षक उनके घर जाकर उन्हें समझा रहे हैं और उन्हें स्कूल में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वहीं कुछ छात्र छात्राओं के सामने आर्थिक तंगी की भी स्थिति आई है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग उनको समझा रहा है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पढ़ना जरूरी है। कुछ बच्चों के तो हमारे पास नंबर हैं, जिन लोगों ने हमारे यहाँ से ड्रॉप आउट किए तो उनको तो हम नंबर से फ़ोन करके बुला रहे हैं। कुछ बच्चों को हम डोर टू डोर कर रहे हैं और हमने एक अभियान चला रखा है अपने विद्यालय से कि एक टीचर हमारे यहाँ प्रत्येक हफ्ते वो बच्चों से जानकारी लेते हैं और प्रधान जी के द्वारा उनको बुलवाते हैं, साथ जाकर डोर टू डोर जाती हैं हमारी मैडम और उन बच्चों को, अभिभावकों को समझाते हैं उनकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है शिक्षा आजकल। या कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ऐसे जैसे किसी की मदर बीमार है या फादर नहीं है तो वो बच्चे चूड़ियाँ लगा रहे हैं कि ये कर रहे हैं, तो हमने उनको समझाया। इसको लेकर प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और कंपोजिट विद्यालय के शिक्षक हर हफ्ते जहाँ छात्र छात्राओं ने ड्रॉप आउट कर दिया है उनकी लिस्ट तैयार करके उनके घर जाते हैं, उनके माता पिता को समझाते हैं कि आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजें। अभी लॉकडाउन के उसमें पीरियड चल रहा था तो बच्चे कम हो गए थे क्योंकि पलायन ज़्यादा हुआ था, तो उसके लिए हमने मोहल्ला टोली बनाई। हमारे यहाँ कई गांव के बच्चे आते हैं, 6-7 गांव के बच्चे, तो हर गांव में पहुंच पाना पॉसिबल नहीं होता एक टाइम पर, तो हमने बच्चों की ही टोली बनाई, उनमें 5-5 बच्चों को रखा है, तो वही हमारे मोहल्ले से डिटेल देते हैं कि कौन सा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि उनके एरिया में ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, फिर हम उनसे ही संपर्क करके, उनके अभिभावक से संपर्क करके बच्चों के साथ जा करके उनको इंस्पायर करते हैं और मोटिवेट करते हैं कि आप एडमिशन कराइए। इसकी परिणाम स्वरूप हमें रिजल्ट जो मिले हैं वो ये हैं कि हमारे यहाँ आशावाद और दूसरे जो दूर दूर के इलाके हैं, बच्चे पेरेंट्स बाइक से लेकर आते हैं, ऑटो से भी बच्चे यहाँ आते हैं।